तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं गोविंदपुरी के इलाके में। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट फूड्स हैं जो फेमस हैं। यहाँ पर वीर जी की चाप भी है, वहाँ पर भी हम किसी दिन एक आपको सेपरेट वीडियो बना के दिखाएंगे, क्योंकि वीर जी की चाप भी बहुत फेमस है अपनी मलाई चाप से, और वहाँ उनकी बहुत सारी चाप हैं वो हम आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हमारी जो वीडियो बनने वाली है वो गोविंदपुरी की है, यहाँ के उम्दा खानों से। यहाँ पर बहुत फेमस है वेज फूड्स, मतलब यहाँ पर ज़्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चाइनीज़ फूड की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरमार रहती है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट की अगर मैं बात करूँ मेट्रो स्टेशन जो है वो गोविंदपुरी है, और नियरेस्ट यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी पड़ती है हमदर्द यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स भी रहते हैं। अब चलते हैं, सीधा अपनी जर्नी को शुरुआत कर लेते हैं। जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, और लास्ट में हम आपसे बात भी करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा गोविंदपुरी का। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज़ हम चलते हैं अब स्ट्रीट फूड्स कवर करने के लिए, और सबसे पहले तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं वो सारे राइट साइड लेफ्ट साइड में हैं, और यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें हैं फेमस चीज़ें हैं मैं सबको कवर करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं भाई, यहाँ से शुरू होती है मार्केट, ये पीछे गुरुद्वारा है आप देख सकते हैं, और अभी यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है। अब मैं मार्केट का आपको फ्रंट दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर कितनी भीड़ है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसा कि भाई यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, और यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जहाँ पर IAS PCS वगैरह की यहाँ पर तैयारी होती है, यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी होती है, बहुत सारे जो नीट की यहाँ पर तैयारी होती है, बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है वो मतलब ज़्यादा रहती है। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर स्पेशल तंदूरी मोमोज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ का जो ये तंदूरी मोमोज जो फेमस है, यहाँ के जो इनका जो टिक्का है पनीर टिक्का आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मलाई टिक्का भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फेमस है इनका कुरकुरा मोमोज, मैं आज आपको टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ और कंप्लीट उसके बारे में बताने वाला हूँ, और जो लोग यहाँ पर कुछ लोग खा रहे हैं हम उनसे भी एक बार मालूम करेंगे कि भाई उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। बाकी आप देख सकते हो भाई कितना अल्टीमेट है ये तंदूरी मोमोज है, आप यहाँ पर इसकी प्राइस लिस्ट भी देख सकते हैं, हाफ का भी है और फुल का भी है। तो चलो सबसे पहले हम कुरकुरा मोमोज एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो भाई ये है कुरकुरा मोमोज, और अब इसको हम ये भैया शेक सेकने वाले हैं, और इसके बाद इसका हम टेस्ट भी बताने वाले हैं भाई क्या है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सीखे हुए भी रखे हैं, वाओ अल्टीमेट है। ये है भाई चिकन तंदूरी मोमोज, आप देख सकते हैं भाई क्या अल्टीमेट, भाई इसकी अलग ही महक है वो आप देख सकते हैं भाई, और इसकी बनावट शायद आपको गोविंदपुरी में ये चीज़ खाने को ना मिले इतना जायका, क्योंकि इसकी एक अलग ही खुशबू आ रही है इसके अंदर आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर, वाओ बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, और हम तो ऑलमोस्ट रेगुलर ही आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आपको इनकी क्या चीज़ पसंद है, मतलब कौन से मोमोज हैं? यही तंदूरी मोमोज, तंदूरी मोमोज भी अच्छे हैं इनके, कुरकुरे मोमोज भी अच्छे हैं। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तंदूरी मोमोज ट्राई करने चाहिए, जो मतलब सबसे इनका बेस्ट सेलर बेस्ट जो है वो है तंदूरी मोमोज, बहुत अच्छा है, हम तो आते हैं रेगुलर आते हैं। मेरा नाम भैया आफ्ताब हुआ, ये मैं काफ़ी सालों से सोचा था, मैं अभी अलकनंदा मार्केट में था वहाँ से फिर यहाँ आया हूँ गोविंदपुरी में गली नंबर 2 के पास, ठीक है भैया। तो क्या क्या आइटम रखते हैं आपके अपने पास? भैया हमारे पास मलाई चाप, मसाला चाप, पनीर टिक्का प्लस तंदूरी मोमोज होता है वेज में, पनीर में, चिकन में, और कुरकुरे मोमोज होता है भैया चिकन पनीर और वेज। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट सेलर क्या है उसका, सबसे ज़्यादा बिकता है? सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ तंदूरी मोमोज बिकता है। तंदूरी मोमोज जी भैया, ठीक है। क्या प्राइस है उसका वेज का, नॉन वेज? वेज में आपको 80 का है, पनीर 100, चिकन 100। भाई हम भी यहाँ पे इनके सबसे जो इनके जो कुरकुरा मोमोज है एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, और प्राइस भी भाई रिजनेबल है, कोई इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है। 80 रुपीज़ की इनकी प्लेट है, 100 रुपीज़ की प्लेट है वेज की और नॉन वेज की। तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर है कुरकुरा मोमोज, और अब हम इनको सीखते हुए दिखाने वाले हैं भाई। ये इनकी स्पेशल चटनी है, ठीक है, जो इनके स्पेशल मसाले हैं उनसे बनाई हुई है इन्होंने, और ये मिर्च की चटनी है, और इधर मेयोनीज़ है। इन सब का जब एक साथ मिश्रण होता है ना भाई, एक अलग ही मतलब जायका बन जाता है भाई, बहुत ज़बरदस्त। और ये देख सकते हैं भाई कुरकुरा मोमोज इसके अंदर जा रहे हैं भाई, ये भाई कुरकुरा मोमोज अभी सीख रहे हैं आप देख सकते हैं भाई, और सीखने के बाद आपको दिखाने वाले हैं कि भाई इनका आप यहाँ पर बनावट देख सकते हो भाई, इनके अभी वाइट कलर दिख रहे हैं, लेकिन जब सीख जाएंगे उसके बाद बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, अभी उनका वेट कर लेते हैं। या हमारे पास बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं खाने के लिए, और ये एरिया है गोविंदपुरी कालका जी गली नंबर 2 गोविंदपुरी। ये हमारा है तो काफ़ी सालों से, मगर मैं पहले जॉब करता था, अब मैं अपना शॉप खोला हूँ। हमारे पास वाइट म्यूनिस है, ग्रीन सॉस है, वाइट म्यूनिस है, ग्रीन सॉस है, प्लस रेड सॉस है मोमोस वाली। भाई ये देख सकते हैं यहाँ पर अब सीख गए हैं, ऑलमोस्ट सीख रहे हैं, आपने इनका कलर देखा था वाइट था, लेकिन अब सीख करके कुछ
ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं भाई, बहुत अभी से मेरे को बहुत अच्छी स्मेल आ रही है यार, ऐसा जी कर रहा है कि तुरंत खा लूँ इनको निकाल के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता प्रॉपर, जब तक इसमें मसाला नहीं गिरेगा तो हम कैसे खा सकते हैं। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, क्योंकि इनके कुछ स्पेशल मसाले भी हैं जो इसमें इन्होंने मिला रखे हैं। अभी गाइस हमारे कुरकुरे मोमोज बन के रेडी हो चुके हैं और अब इनको प्लेट में धरने वाले हैं। तो भाई हमारे कुरकुरे मोमोज आ चुके हैं, वाओ दिखने तो बड़े अल्टीमेट से दिख रहे हैं भाई, बाकी एक बार खाने के बाद पता चलेगा कि भाई कैसा जायका है। बाकी आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर काफ़ी लोग खाते हैं और मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पर बात करी है, वो भी बता रहे हैं कि भाई बहुत अल्टीमेट है। और इसके बाद लगने जा रहा है इनके ऊपर बटर, वाओ अब इनका जायका बताने वाला है, जायका कैसा है इनका। ये इसके ऊपर जा रहा है मसाला, अल्टीमेट भाई वाओ। ये आप देख सकते हैं भाई अब हमारे लिए प्लेट रेडी हो रही है, ये देखो भाई प्लेट बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। और अब इसके अंदर ये कुछ हमारे पास, भैया ये क्या है? ये इनकी स्पेशल म्योनीज़ है जो कि दिखने में तो बहुत अल्टीमेट है, अभी खा के हम बताएंगे आपको। ये है इनकी हरी मिर्च की चटनी और दही इसके अंदर है आई थिंक, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकी लाल चटनी। वाह आप देख सकते हैं भाई हमारी प्लेट रख के रेडी हो चुकी है, तो भाई हमारी प्लेट आ रही है, वाह अब हम इसको खा के टेस्ट करके बताने वाले हैं भाई। ये वाह भाई रेडी हो चुकी है हमारी प्लेट, वाह। तो भाई कुरकुरा मोमोज हमारे रेडी हो चुके हैं और अब मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ भाई कैसा टेस्ट है। भाई भी बहुत गर्म हो रहा है यार, क्योंकि गर्म गर्म मैं मुँह में रखूँगा तो हो सकता है मेरा मुँह जल जाए, तो मैं सबसे पहले थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ स्टार्टिंग से। भाई अल्टीमेट है यार, क्रंची है यार सबसे पहली बात को, और हमने ट्राई कर लिया पनीर मोमोज बहुत अल्टीमेट है। ये आप देख सकते हैं भाई ये हैं स्पेशल तंदूरी मोमोज, ठीक है भाई ये छोटे सी आपको चेयर दिख रहा होगा लेकिन जो इसमें जायका है वो बड़ा अल्टीमेट है भाई, और मैं अभी और भी ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि बड़े टेस्टी लग रहे हैं यार मेरे को। यूनिकनेस तो है भाई, मैंने काफ़ी जगह मोमोज खाए हैं, कुरकुरा भी खाए हैं, विदाउट कुरकुरा भी खाया है, लेकिन इसी के अंदर यूनिकनेस तो है भाई, बहुत अल्टीमेट है। और अब इसके बाद हम चलेंगे किसी दूसरी शॉप पर और वो भी हम आपको वहाँ पर भी टेस्ट दिखाने वाले हैं भाई उनका जायका कैसा है, और भाई यहाँ पर कुरकुरे मोमोज खा के मज़ा आ गया भाई। तो गाइज़ हमने तंदूरी मोमोज ट्राई करे भाई, बहुत अच्छे थे, हमने यहाँ पर कुरकुरे मोमोज खाए मुझे बहुत अच्छे लगे भाई। अब चलते हैं हम आगे मार्केट में, वो भी हम आपको जितनी भी यहाँ पर सारी मार्केट्स हैं जो स्ट्रीट फूड्स हैं यहाँ के वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कुछ इस तरह से तैयार होता है यहाँ पर बड़ी अच्छी काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं, और इधर आपको देख सकते हैं भाई यहाँ पर नमकीन वगैरह बनती है कंप्लीट, और इधर मार्केट हम अब चलो मार्केट की ओर चलते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको खिलवा सकते हैं। मतलब अगर आप गोविंदपुरी आते हो और आप ये सोचते हो कि भाई हम गोविंदपुरी में तो आ गए अब हमें खाना क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि भाई आपको तंदूरी मोमोज खाने हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं हम आगे, और आगे हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलती है। बाकी वैसे तो यहाँ पर और भी फास्ट फूड्स वगैरह हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई नमकीन वगैरह बन रही है, ठीक है। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं भाई फास्ट फूड और भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक देख सकते हैं रोल। तो अब हम आपको लेके जाने वाले हैं पानीपुरी, यहाँ की जो फेमस है, जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ की पानीपुरी। और यहाँ पर मेरे राइट साइड में देख सकते हो, और राइट साइड में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ पर खाने आते हैं भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है महेश भाई चाट भंडार, इनके जो ये जो यहाँ की जो दुकान फेमस है, यहाँ के फेमस जो चटपटी चाट है, यहाँ के जो पानीपुरी है उससे ये फेमस है। और यहाँ पर जो टिक्की बनाते हैं भाई, सूखी टिक्की इनकी बहुत ज़्यादा चलती है, ये आप देख सकते हैं भाई। स्प्रिंग रोल भी है इनके पास, ठीक है, ये इनके सब आप टिक्की देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये तो सब ट्राई करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं इनके पानीपुरी। तो भाई अब मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ के पानीपुरी, क्योंकि पानीपुरी यहाँ पर मैंने सुना है बहुत फेमस है, इनके पास लोग आते हैं। तो भाई पानीपुरी सबसे पहले हमें टेस्ट कराओ आप। तो भाई आ चुका है, अभी खा ली है, अभी देखते हैं भाई कैसा है पानीपुरी, टेस्ट करके बताने वाला हूँ आपको। भाई देखने में तो बड़ा अल्टीमेट सा लग रहा है यार, लेकिन अब खाने के बाद पता चलेगा कि भाई कैसा लग रहा है। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ भाई इनका पानीपुरी। कुछ तो जायका है भाई इसमें। हम्म,
भाई खट्टे मीठे हैं, मज़ा आ रहा है कि भाई खाता जाऊँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाने मुझे भाई, बहुत अच्छे लगे मुझे। आ रहे हो तो भाई महेश्वरी चाट भंडार एक बार पानीपुरी ज़रूर ट्राई कर देना भाई। महेश्वरी जी के हमने चाट भंडार, जो महेश्वरी जी के हमने यहाँ पर पानीपुरी ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छे लगे भाई, क्योंकि पानीपुरी यार हमेशा ही शुरुआत से ही बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम कभी स्कूल में पढ़ते थे तब भी हम पानीपुरी बहुत शौक से खाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है वो तीखा बनाते हैं, मतलब मीठा नहीं बनाते, तो उसके लिए मैंने स्पेशल इनसे इसके अंदर खटाई जो होती है, मतलब वो मीठी खटाई, ताकि मैं एक थोड़ा टेस्ट बन जाए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम चलते हैं किसी नेक्स्ट जो स्ट्रीट फूड्स वाले के यहाँ, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे भाई, बहुत मज़ा आने वाला है भाई वीडियो के अंदर। तो अब हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि पानीपुरी भी हमने खा लिए और हमने यहाँ के तंदूरी मोमोज भी ट्राई कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई यहाँ का क्या चीज़ फेमस है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप मतलब हमारे साथ चल रहे हो तो भाई आपको मज़ा आ रहा होगा भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ये रोल है, एग रोल वगैरह ये यहाँ पर बहुत मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, थैंक यू। तो उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत सारे बैग्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, और इधर भी मतलब पानीपुरी के कुछ ये वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर भी पानीपुरी वगैरह खा सकते हो आप लोग। और मुझे वहाँ के उसके ठेली वाले के महेश्वरी के बहुत अच्छे लगे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और हम आपको क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, मैं अब आज आपको कंप्लीट इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी हमने दो चीज़ें ट्राई करी हैं, अभी हम तीसरी चीज़ की ओर चल रहे हैं कि भाई क्या चीज़ यहाँ पर फेमस है। और यहाँ पर मैंने देखा है मार्केट में काफ़ी चहल पहल है, और यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सिटी पासनी है या इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो भाई अब हम चलते हैं मूंग दाल के लड्डू खाने के लिए, भाई क्या जायका होने वाला है उनका, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलो भाई मूंग दाल के लड्डू खाने चलते हैं भाई। ये आप देख सकते हैं भाई, पुरानी दुकान सरदार जी के मशहूर, वाओ। तो ये सरदार जी के मशहूर हैं लड्डू, ठीक है, आप देख सकते हैं भाई। गली नंबर 5 के सामने आपको विजय सेल्स मिल जाएगा, और विजय सेल्स के सामने यहाँ पर सरदार जी के मशहूर लड्डू यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर अंदर लड्डू इनके बन रहे हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं। तो आज हम आप ट्राई करने वाले हैं, इनकी प्राइस लिस्ट, अगर मैं प्राइस लिस्ट की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कितनी क्वांटिटी में ये रेडी हो रहे हैं। और मूंग दाल के लड्डू हम ट्राई करने वाले हैं भाई, हमें मूंग दाल के लड्डू ट्राई कराओ। जैसा हमने यहाँ का नाम सुना था मूंग दाल के लड्डू का, तो भाई हमें तो खुशबू आ गई थी कि भाई यही हमारे आसपास ही है, लेकिन आप देख सकते हैं भाई तैयार हो रहे हैं यहाँ पर मूंग दाल के लड्डू, वाओ। तो भाई ये वो लड्डू हैं मूंग दाल के जो यहाँ पर बहुत फेमस हैं। और यहाँ पर कुछ पकौड़ी हैं, मिर्च की हैं, आलू के हैं, सब पकौड़े वगैरह हैं, लेकिन ये ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। और ये मैंने आपको इसका पूरा बता दिया कि भाई ये पूरा इनकी दुकान है यहाँ पर, मतलब पूरी इनकी ठेली है, वो आप देख सकते हैं। और अभी हम सरदार जी से भी बात करने वाले हैं कि भाई कितनी पुरानी दुकान है इनकी, और क्या क्या इनकी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें ये रखते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या बिकता है और क्या प्राइस है, वो भी हम बात करने वाले हैं इनसे। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर कुछ भी आइटम्स लेना चाहो तो उससे पहले यहाँ पर आपको टोकन लेना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर इनके टोकन है, तो टोकन क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि भाई पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो सर कैसे लगे आपको इनके पकौड़े? ठीक है, स्वाद है, अच्छे हैं, खाते रहता हूँ। तो भाई हमारे लड्डू मूंग दाल के रेडी हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, हमने टोकन ले चुके हैं यहाँ पर। और अब हम हमारे सामने प्लेट आने वाली है मूंग दाल के लड्डू की, मैं आप खाऊँगा, उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा कि भाई पुरानी दुकान है जो सरदार जी की और मशहूर भी है, तो मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि भाई कैसे हैं, आपको यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो भाई हमारे लड्डू यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं भाई, वाओ, मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई देखने में। अब खा के एक बार मैं देखने वाला हूँ कैसे लगने हैं। तो भाई ये लड्डू हैं और अब मैं इनको ट्राई कर लेता हूँ, ये मूंग दाल के लड्डू हैं, इनको राम जी के लड्डू भी कहा जाता है, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। भाई जायका तो है यार, और बहुत अल्टीमेट हैं, काफ़ी जायका तो है भाई इनको, ट्राई ज़रूर करना आप एक बार लड्डू। अगर आप लड्डू खाना चाहते हो तो भाई एक बार सरदार जी को ज़रूर मतलब ट्राई करो एक बार सरदार जी को, क्योंकि सरदार जी बोल रहे थे कि भाई 28 साल पुरानी दुकान है उनकी, तो 28 साल में काफ़ी टेस्ट है भाई, मतलब खाने लायक तो हैं भाई, मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं और मैं इन सबको खाने वाला हूँ सारे, वो बहुत अच्छे हैं यार।
तो एक भाई मेरे और बड़े भाई यहाँ पर लड्डू खा रहे हैं। आपको लगेगा कभी कभी हमने मतलब ऐसी झूठी तारीफ कर दी, इनसे भी जान लेते हैं भाई ये लड्डू खा रहे हैं। भैया कैसे लगे आपको यहाँ के लड्डू? बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम फर्स्ट क्लास। मेरे को लगभग 3 साल हो गया, और भी अच्छे लगते हैं मगर लड्डू स्पेशल लगते हैं भाई। सरदार जी के लड्डू खाकर, मतलब सरदार जी के जो इनके मूंग की दाल के जो लड्डू थे भाई, मज़ा आ गया खाने में। अलग ही जायका था, बहुत सॉफ्ट थे। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई लड्डू है तो बहुत हार्ड होंगे, लेकिन बहुत सॉफ्ट थे। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर खा करके, और मैंने मतलब ऑलमोस्ट जितनी यहाँ की फेमस चीज़ें थी उनको सबको कवर किया, गोविंदपुरी की, कालका जी की, ठीक है। और अगर आप आ रहे हो तो भाई इनको एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बाकी हम लेकर आएंगे और भी ऐसी टेस्टिंग अमेजिंग प्लेसेस, ऐसे मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे हम। ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स में हम जाकर के विज़िट करेंगे कि भाई वहाँ का रहस्य क्या है, कब से मतलब लोग काम कर रहे हैं या कब से मतलब वो बना है, पूरी हिस्ट्री हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।